अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज जो है ना, आज का हम लोग स्टार्ट हो रहा है इस इंश्योर से। दरअसल ये ना, मुझे काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी पिछले दिन में, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इतनी खास कोई बीमार नहीं हुई थी, लेकिन बस मेरे जो ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं ना, मेरे अंदर जान नहीं है, या मैं बहुत कमज़ोर सी फील कर रही थी। मैं थोड़ा सा काम करती थी ना, तो मुझे ना सांस चढ़ने लग जाता था, और बहुत ज़्यादा ना मैं जो है ना, वीकनेस से फील कर रही थी। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो उन्होंने ना मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी, और कुछ जो है ना, ड्रिप लगा दिए थे, क्योंकि ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर उन्होंने मुझे ना ये इंश्योरेंस का ये डब्बा दे दिया था, ये बस अभी ख़त्म हो गया था, ये बस मैं डाल रही थी, दूध बना रही थी आपके लिए। तो ये इसका एंड चल रहा है, बस ये मैंने फिर पूरा ही डाल दिया था। मैं थोड़ा सा गाढ़ा बनाती हूँ, ये पतला पतला नहीं पिया जाता है। तो बस इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, कैल्शियम होता है इसमें, तवानाए प्रोटीन है। देखो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और ये जो है ना, फोकस नहीं पकड़ रहा इस टाइम। विटामिन B1, विटामिन B2, और पता नहीं क्या क्या 6, 1.2, 12, विटामिन C, कैल्शियम, क्लोराइड, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बस कुछ ये चीज़ें होती हैं ना, हम अपनी डाइट में ले नहीं रहे होते, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है ना। तो जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मैंने तो एक डब्बा ख़त्म कर दिया था, तो इससे मैं ना काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो बस ये जो है ना, डब्बा भी ख़त्म हो गया मेरा, और जो है ना, मेरी सेहत भी थोड़ी सी ना ठीक हो गई थी। बस औरतों में भी और सब में इतना कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इंसान फील करता है ना। तो अपनी डाइट का ना इंसान ख्याल रखे, हेल्दी चीज़ें खाए, फ्रूट्स वगैरह, तो ना उससे ना जो है ना, इंसान की जो सेहत है ना, वो अच्छी रहती है। फिर बीमारी आ जाती है, वो उससे जो है ना, इंसान उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस आ जाते हैं अपने किचन की तरफ। मैं गर्म कर रही थी हलीम, हलीम लाल हो गया, मैंने उबाले रख दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा कुकर ख़राब हो गया। तो बस मैंने देसी में रख दिया था, पहले मैंने रख दिया था, रात को मैंने पूरा धोया हुआ था, तो उसको मैंने रख दिया था। घंटे में घंटा डेढ़ घंटा तो लग गया था इसे पकते पकते, तो बस वो पक गया था। और साथ में जो है इसके साथ मसाला रेडी कर लिया, बस मैंने सिंपल से एक अदद प्याज लिए, मैंने उसमें लहसुन के ना बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए, वो लाल हो जाएंगे इसमें। टमाटर डाल देंगे, जो मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले मैं एक साथ मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ना, इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं ना इसमें मसाले में शामिल करूँगी। मेरी बेटी लगी है मोबाइल में गेम खेल रही है, और मैं इसकी आवाज़ कम कर दूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मैं इसकी आवाज़ कम करके अभी आई। बस इसे ना नमक डाल दिया था मैंने इसे टमाटर में, ऐसे अक्सर जो है टमाटर पीस के इसमें डाल देती हूँ, लेकिन बस मैंने जल्दी जल्दी में इसे डाल दिए थे, इसे थोड़ा सा गलने में टाइम लगा था। बस इसे ना इस तरीके से मिक्स करके मैं इसका मसाला जो है ना, टमाटर इसमें गला दूँगी, फिर मैं इसे लोबे में शामिल कर दूँगी। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था लोबे से मैंने निकाल दिया था, चलो बस इस तरीके से भूनूंगी। फिर मैंने इसे थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, ताकि अगर थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बने, बिंदास हमारी लोबिया बन गई। साथ में जो है ना, खाने मैंने गर्म कर दिए, बस रोटियाँ बनानी है मुझे, रोटियाँ बना के हमने अपना लंच इंजॉय करना है।
तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा मैंने सैलेड सा बना दूँ, थोड़ा सा चाट सी बना दूँ। तो मैंने जो पतला वाला भी था वो ले लिया, उसमें खीरा काट दिया मैंने, थोड़ी सी इसमें प्याज भी डाली हुई, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। बस मेरे पास ये सब्जियाँ थी, मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दूँगी, और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं थोड़ी सी इसमें डाल दी थी, और सामने में चम्मच जो है ना, चम्मच आधा चम्मच जो है मैं इसमें चाट मसाला डाल दिया। बस इसी तरह के से मिक्स कर दिया, बस इसने फिर मैंने इंजॉय किया था। और ये मैंने खा लिया था ना, तो मेरा पेट ना इसी से भर गया था, फिर मैंने खाना काफ़ी टाइम बाद खाया था। शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। आज के ब्लॉग में बस इतना, इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए